अगर लिखा हो सी वॉज इल एट एज तो क्या बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? फ्रेंड्स, इल एट एज एक फेज वर्ड है जिसका मतलब होता है बेचैन होना या परेशान रहना। यानी जब आप किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं या किसी काम को लेकर घबराए हुए रहते हैं तो आप वहाँ पर फेज वर्ड इल एट एज का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। आमतौर पर जब मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मैं बेचैन रहता हूँ या मैं घबराया हुआ रहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम नॉर्मली इल एट एज व्हेन आई एम ऑन द स्टेज। यानी जब मैं स्टेज पर होता हूँ तो मैं बेचैन रहता हूँ, मैं घबराया हुआ रहता हूँ। अगर आपको कहना हो कि वह बेचैन थी या वह घबराई हुई थी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वॉज इल एट एज। यानी इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं सी वॉज अनकम्फर्टेबल, यानी वह बेचैन थी या वो परेशान थी या घबराई हुई थी। वह अपने कैरियर को लेकर परेशान थी या बेचैन थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वॉज इल एट एज रिगार्डिंग हर कैरियर। जब वह मुझसे मिली वह बेचैन थी, वह घबराई हुई थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वॉज इल एट एज व्हेन सी मेट मी। अगर आपको कहना हो कि वह अपने बच्चों के साथ परेशान थी या बेचैन थी या घबराई हुई थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वॉज इल एट एज विद हर चिल्ड्रन। अगर आपको कहना हो कि वह काम पर परेशान था या वह अपने काम पर घबराया हुआ था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज इल एट एज ऑन ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इल एट एज का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो कोई इंसान घबराया हुआ था या परेशान था, बेचैन था, तो आप इल एट एज का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी इल एट एज का इस्तेमाल आप अनकंफर्टेबल की जगह पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।